शर्मा आंसू में बह गए गाने से लोकप्रिय गायिका और एक्टर सलमा आगा ने कोरोना संकट पर लोगों से पुलिस और कोरोना योद्धाओं पर हमले न करने की अपील की। सलमा आगा ने कहा कि लोगों को लॉकडाउन पर पीएम मोदी की अपील को मानना चाहिए और घर के अंदर ही रहना चाहिए। जय भारत। व्यूअर्स को हमारी बहुत ही दस पास्ट है और रिक्वेस्ट है कुल हिंदुस्तान से कि प्लीज ये जंग अंदर से बैठ के लड़े। ये जंग वो जंग नहीं है जो बाहर निकल के लड़ी जा सकती है। एक दूसरे से यूनिटी का सबूत दीजिए। आज हमारे लिए कितनी पुलिस, पब्लिक, सोशल वर्कर्स बाहर निकल के जो सब लोगों को देख रहे हैं, काम कर रहे हैं, कम से कम उनका लिहाज कीजिए। पुलिस को मजबूर मत कीजिए कि आपको लाठियों से मार के वापस भेजिए। ये आपके अपने इंटरेस्ट में है कि जो करें अंदर से बैठ के करें। प्रधानमंत्री जी रोज़ आके मीडिया पे रिक्वेस्ट करते हैं कि घरों में बैठे रहें, तो प्लीज़ कम से कम एक दफ़ा उनकी ये बात मान के देखिए। ये हमारे इंटरेस्ट में है। लॉकडाउन के दौरान ज़रूरतमंद लोगों की मदद करने के लिए दिल्ली पुलिस ने गुरुद्वारा बंगला साहब का शुक्रिया अदा किया और गुरुद्वारे की परिक्रमा की। मुश्किल की इस घड़ी में गुरुद्वारा बंगला साहब लाखों गरीबों का सहारा बना और दिल्ली पुलिस ने इसी जज्बे को सलाम किया। लॉकडाउन के दौरान लाखों लोगों की सेवा करने की भावना को सम्मान देने के लिए दिल्ली पुलिस ने गुरुद्वारा बंगला साहब की परिक्रमा की। पुलिस वालों ने अपनी गाड़ियों में बैठकर गुरुद्वारे के चारों ओर चक्कर लगाया और सायरन बजाकर ये संदेश दिया कि सभी को गुरुद्वारा बंगला साहब से सीखना चाहिए। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी द्वारा रोजाना जरूरतमंदों को खाना खिलाया जा रहा है, साथ ही जो हेल्थ वर्कर हैं उनके भी रहने की अलग अलग गुरुद्वारे में व्यवस्था की जा रही है। दावा है कि गुरुद्वारे में रोजाना करीब 2 लाख लोगों के लिए खाना पकाया जाता है और दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के लोग दिन रात इस काम में जुटे रहते हैं। गुरुद्वारे पहुंचे दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने इस काम में भी मदद की और वहां सच्चे सेवा भाव से खाना बनाते नजर आए। जब से लॉकडाउन शुरू हुआ इन्होंने बहुत बड़े नंबर्स में रोज सेवा की है और हम ये एक हमारी तरफ से छोटा सा जेस्चर है। गुरुद्वारा बंगला साहब की तरफ से केवल लोगों को खाना ही नहीं खिलाया जा रहा बल्कि अलग अलग गुरुद्वारों में स्वास्थ्य कर्मियों के रहने का इंतजाम भी किया गया है। कश्मीर के बडगाम में तेज बारिश के बाद आई बाढ़ की वजह से 2 बहनों की मौत हो गई। बारिश के बाद वहां के नदी नालों में उफान आ गया और बताया गया कि एक ऐसे ही नाले में बहकर 2 बहनों की जान चली गई। घर वालों के मुताबिक दोनों बहनें भेड़ों को घास चरवाने के लिए पास के जंगल में गई थी, तभी तेज बारिश शुरू हुई और दोनों हादसे का शिकार हो गई। मरने वाली दोनों बहनों की उम्र 14 साल और 6 साल बताई गई। लॉकडाउन के दौरान 38 मछुआरे नाव के जरिए समुद्र के रास्ते चेन्नई से उड़ीसा के गंजाम पहुंच गए। इन मछुआरों ने बताया कि खाने पीने और रहने की दिक्कतें खड़ी होने के बाद उन्होंने गांव लौटने के लिए करीब 2 लाख रुपए खर्च किए थे और इन पैसों से एक नाव खरीदी थी जिस पर सवार होकर ये मछुआरे समुद्र के रास्ते गंजाम पहुंचे। लॉकडाउन में सभी रास्ते बंद होने की वजह से उन्होंने ये रास्ता चुना और 5 दिन में गांव पहुंच सके। इन मछुआरों के वहां पहुंचने से पहले ही जिला प्रशासन की टीम वहां पहुंच गई, जिसमें शामिल कुछ कर्मचारियों ने इन मछुआरों से जुड़ी सभी जानकारियां जुटाई। 5 दिन में हमारा गांव को आया, तो हमारा राशन डाल के आया था उधर से। गंजाम पहुंचे इन मछुआरों को एहतियात बरतते हुए 14 दिन के लिए क्वारंटीन भी कर दिया गया। हालांकि उनके खाने पीने का इंतजाम वहां किया गया। जिस जगह इन मछुआरों को रखा गया वहां पास में ही कुछ महिलाएं खाना बनाती नजर आईं, जिन्होंने कई पैकेट खाना बनाकर इन मछुआरों में बांटा। हरियाणा के अंबाला